बटेश्वर में रोक के बावजूद भी दीप दान करने हजारों की संख्या में पहुंचे महिला और पुरुष। बाह दीपावली के बाद बटेश्वर में लगने वाले मेले को शासन व प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित कर दिया था। दीपावली के बाद पड़ने वाली 14 को लोग अपने पूर्वजों के आत्माओं की शांति के लिए बटेश्वर में दीप दान करते हैं। बटेश्वर में जिला पंचायत द्वारा लगने वाला मेला कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 100 साल बाद नहीं लग सका, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए दीप दान करने वाले लोग हजारों पुरुष और महिला अन्य प्रांतों से बटेश्वर पहुंचे और दीप दान किया। वहीं मध्य प्रदेश भिंड से आए राजेंद्र विवेक राम सिंह घादी ने बताया कि हमें मेला न लगने की कोई जानकारी नहीं थी और इसका कोई प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया था। हम लोग दीप दान और मेला देखने आए थे, सोचा था पूजा करने के बाद ही मेला में कुछ खाएंगे, मगर यहां न तो खाने की व्यवस्था है और न ही रुकने की कोई व्यवस्था है। स्थानीय पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर सभी बहनों को बटेश्वर खाद पर ही रोका जा रहा था। वही पैदल यात्री महिला और पुरुष करीब 3 किलोमीटर अंधेरे में चलकर बटेश्वर पहुंचे। वहीं स्थानीय लोगों ने अन्य प्रांतों से अपने वाहनों से आए लोगों से अवैध वसूली भी की, जिसकी शिकायत पर क्षेत्राधिकारी जगमोहन सिंह बुटोला व प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार बटेश्वर पहुंच गए। वहीं दूर प्रांतों से आए लोगों को दीप दान करने के बाद पुलिस ने वापस भेज दिया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से आए श्रद्धालुओं ने बताया, चंबल पार करने के लिए नाव में तादाद से ज्यादा सवारी बिठाकर पर व्यक्ति 100 रुपए लेकर चंबल नदी पार कराई जा रही है। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर, राज यादव की रिपोर्ट, कैमरामैन राजू यादव के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीराम है। मनीराम जी, आप कहाँ से आए हैं? हम अम्बा से आए हैं। आज आप बटेश्वर आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? अपने पापा जी के दीप दान करने के लिए। किस जगह से आप आए हो? अम्बा बड़परा। लेकिन वहाँ कहीं पुल तो चालू नहीं है, तो कैसे आप यहाँ आए हैं? हमें मतलब सुबह पता चला कि पुल जो पिनाट होके आता है ना, वो पुल मतलब 7 दिन के लिए बंद कर दिया है, और फिर उसकी वजह से अब दीपदान तो करना आना ही था। तो हम जैसे इसका नाम क्या है, रायपुर खुद होकर हम आए दिल्ली से। तो आपने तो चंबल को कैसे पार किया? वो आए थे तो 100 रुपए ले रहे थे। कौन ले रहा था? नाव वाले 100 रुपए ले करके पार कर रहे थे। वैसे पैदल भी निकल आते पर मोटरसाइकिल थी उसकी वजह से नहीं आ पा रहे थे, इसलिए 100-100 रुपए हर एक से लिए थे। नाव में लगभग कितनी सवारियां वो बिठा के पार कर रहे थे? लगभग 30 सवारियां। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।